हुआ क्या, मैं अपने घर से थोड़ा बाहर निकला, थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी क्योंकि एक मेरे को अपने फ्रेंड से गोप्रो लेना पड़ा और ये शूट करने के लिए, और दूसरा कि फोन का भी माउंट ठीक नहीं था, तो मैंने एक शॉप पे आके फोन का माउंट लिया ऑल विद ड्राइविंग अराउंड विद 1 फुट. सो मैं ऑलरेडी मार्केट में हूँ, सो मैं यहाँ पे दिखाने लगा हूँ. सो पहले डिस्क्लेमर कि प्लीज ये ट्राई मत करना, मतलब ट्राई कर सकते हो ऑब्वियसली बट सेफ लेवल पे ट्राई करना. आपकी गाड़ी ठुक सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत मुश्किल है ये चीज. मैंने 7-8 साल पहले बहुत प्रैक्टिस करी थी, तो इसलिए मेरे को बहुत इजी है उस पे स्विच मारना. और तो मेरे को आदत है ऐसे चलाने की, मैं एक पैर से चलाता रहता हूँ, बीच में पंगे के लिए वैसे चला लिया, बट डज नॉट मीन कि कोई भी चला सकता है. नॉट मैं अपनी हवा नहीं मार रहा, बट बेसिकली इट्स लाइक कि इट इज वेरी रिस्की. आपकी गाड़ी कहीं भी बच सकती है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सही से ब्रेक नहीं लग सकती, पैर स्लिप कर सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है. सो प्लीज टेक अटमोस्ट केयर, एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर आपने अपनी गाड़ी कहीं आगे मार दी. सो प्लीज बिल्कुल सेफ ग्राउंड्स में, सेफ टाइम पे, सेफ एरिया पे अगर ट्राई करना तो कर लेना. दिस इज जस्ट अ सर्वाइवल टेक्निक कि बाय चांस अगर आपका कहीं पैर खराब है, कुछ है, या कहीं पे आप लग जाता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, सो यू कैन स्टिल डू दिस. सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल मेथड. सो व्हाट आई एम गोना डू नाउ, आपको थ्योरेटिकली थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर आप बहुत सेंसिटिवली कार को समझते हो या इंजन को समझते हो या कुछ भी, तो यू वुड रियलाइज कि आपको एक टाइम पे एक्चुअली क्लच और रेस दबाने की जरूरत नहीं होती. तो इट्स लाइक कि जैसे मैं न्यूट्रल में हूँ, तो मैंने न्यूट्रल दबाया, अब मैं जैसे रिवर्स करना है, रिवर्स करा, अब मैं थोड़ा थोड़ा क्लच उठाऊंगा तो अपने आप थोड़ी थोड़ी कार चलती है, बिकॉज बेस लेवल की आरपीएम सब में थोड़ी थोड़ी होती है. मतलब कि जब आप क्लच थोड़ा पुल करते हो तो थोड़ी सी इनिशियल आरपीएम इंजन में वैसे भी होती है बिना आपके रेस दिए, तो आप क्लच से भी आराम से गाड़ी को मोशन में ला सकते हो. और यही एक बेसिक टेक्निक है जो हम पूरे दिन इसमें या पूरी इस चीज में यूज करने वाले हैं. और ब्रेक मारने के लिए आपको ऐसे ब्रेक मारनी पड़ेगी, आई होप आप देख पा रहे हो. सो लाइक आपके पैर का फ्रंट हिस्सा क्लच पे होता है और पीछे से आप ब्रेक दबाते हो, ये करने के बाद आप साथ ही न्यूट्रल कर दो और आप आराम से पूरी ब्रेक दबा सकते हो. तो ये सबसे रिस्की पार्ट है, बिकॉज जब आप ऐसे ब्रेक दबाते हो तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि आपका पैर ऐसे स्किड कर जाए और ब्रेक हट जाए, या आप यहाँ से स्लिप कर जाओ. सो एक अच्छा शू होना बहुत जरूरी है. मैंने अभी चप्पल डाली हुई है क्रॉक्स टाइप की, सो बट फिर भी वी कैन ट्राई. तो अभी मैं नॉर्मल चलाऊंगा, एंड बहुत बार मैंने ऐसे एक पैर से चलाया है उस टाइम भी, तो आप तो पता भी नहीं लगता यार कि बंदा एक पैर से गाड़ी चला रहा है, ऐसा नहीं कि जर्क्स हैं या कुछ है उसमें. नो डाउट आपको बहुत सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, तो आप ऐसी गियर बदल सकते हो. अब मैंने ब्रेक मारी तो क्लच दबा के मारी, एक सेकंड अब ट्रैफिक है, तो आप एक बार मोशन में ले आते हो, जगह है, तो फिर आप अचानक रेस दे सकते हो, गाड़ी आगे बढ़ती है, फिर क्लच दबाया, सेकंड गियर डाला, धीरे धीरे क्लच छोड़ा और रेस पे पैर ले. और जब ब्रेक मारी तो क्लच और ब्रेक दोनों. तो जब भी आपको अगर ब्रेक यूज करनी है तो आप अचानक ब्रेक नहीं यूज करोगे अकेली, बिकॉज अगर आप अकेली ब्रेक यूज करोगे तो देयर इज अ पॉइंट, मतलब, और अगर आपकी स्पीड जरूरत से ज्यादा कम हुई या आपको गियर कम करना हो तो आप क्लच नहीं दबा पाओगे, क्योंकि आप अगर ऐसे सीधी ब्रेक दबा रहे हो, आई होप आपको दिख रहा हो, क्योंकि अगर आप ऐसे सीधी ब्रेक दबा रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे थर्ड गियर में हूँ, तो मैंने अगर ब्रेक दबाई और अचानक मुझे गियर डाउन करना है, तो मुझे ब्रेक छोड़ के ऐसे करना पड़ेगा. सो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि अगर आप ऐसे गाड़ी चला रहे हो, जो आई डोंट नो व्हाई आप क्यों चलाओगे, बट फिर भी, तो इट्स लाइक कि आप हर ब्रेक पे क्लच दबा के ब्रेक मारते हो, तो इससे आप बहुत कंफर्टेबली आराम से चला पाते हो. तो अभी हम किसी भी एरिया में जा सकते हैं, उस टाइम भी अभी भी वी कैन गो ऑन हाईवे एंड ड्राई, किसी भी स्पीड पे आप गाड़ी चला सकते हो, प्रोवाइडेड आपको एक बार आदत पड़ जाए. जैसे भी हम ट्रैफिक में आए, इधर से टर्न ले लेते हैं फॉर एग्जांपल. बॉटम लाइन है यार कि आपको ना बहुत सेंसिटिव होना चाहिए कार के साथ, ये वैसे भी होना चाहिए अगर आपको अच्छा ड्राइवर बनना है, तो यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव कि आपकी क्या रेस है, क्या ब्रेक है. वैसे अभी मेरा देखो पहले पैर ब्रेक पे गया सबकॉन्शियसली, और आपको अपना सबकॉन्शियस को फाइट करना बहुत जरूरी होता है. तो अगर आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हो या अपने आपको बहुत 30 मारकर नहीं समझते, तो कोई जरूरत नहीं है पंगे लेने की. आप बजोगे कहीं पर, किसी और को मारोगे, अपनी गाड़ी भी तोड़ोगे और खुद को भी चोट पहुंचाओगे. और स्लो स्पीड पे ही रखो. अभी जैसे मैं गलियां में चला रहा हूँ जस्ट टू शो, बट मैं अपने मम्मा पापा को इस, जब मैं प्लस टू था तो हमारी जो शॉप है वो हमारे जाने का ही जो सबसे गानों के बिजिएस्ट एरिया है वहां पर है, तो वहां भी छोड़ने जाता था, तो कोई बड़ी बात नहीं है. तो देखो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ना कोई जर्क पड़ रहा है, ना कोई गियर नॉकिंग हो रही है, कुछ हो रहा है. और दो चार चीजें बॉटम लाइन में बताना भूल गया कि अभी मैंने अपनी सीट बिल्कुल काफी पीछे करी है, बिल्कुल पीछे तो नहीं बोलूंगा, और स्टेयरिंग सबसे ऊपर लेवल पे है. ऊपर लेवल पर क्यों है, क्योंकि ताकि मेरी एक लात से ही, मैंने जैसे तीनों देखा, मतलब तो ये बहुत ज्यादा मूव करती है लेग, तो ये लात यहाँ से तीनों पैडल्स पे उठ के आते रहे,
तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको पूरी स्पेस मिले। अब हम कहाँ जाएंगे? देखिए मैं घर से मास्क लाना भूल गया, तो मेरे को था नहीं कि मैं रास्ते में किसको मिलना भी है, इधर जस्ट ड्राइव। बट आई थिंक अगर मैं हाईवे जाऊंगा तो पुलिस ना पकड़े। तो ऐसा देखो, बड़े आराम से चला सकते हो। आपको आदत सिर्फ ये डालनी है कि आप क्लच जब ब्रेक दबाओगे तो क्लच दबा के दबाओगे, और दूसरी बात कि आपके राइट पैर को क्लच दबाने की सेंसिटिविटी नहीं होती, बिकॉज वो थ्रॉटल ही दबाता है, क्लच आप लेफ्ट पैर से दबाते हो। तो आपको वो बिल्डअप करनी बहुत जरूरी है। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी कर रहा हूँ, इट्स बिकॉज मेरे को आदत है, बट अगर आप पहले दिन से ट्राई करोगे तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी। तो बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप की ट्राई करो। अंकल जा रहे हैं सामने। हम मेन रोड पर जा सकते हैं। आप एक गियर डाल के जब आपको उसमें ज्यादा रेस चाहिए तो आप वापस थ्रॉटल पे आ सकते हो, नहीं तो थोड़ा थोड़ा पुश तो हर गियर का आपके क्लच वाले उससे मिल जाता है। आपने ट्राई करना है कि आप ओवरटेक्स ना करो, बिकॉज अचानक ही सडन स्विफ्ट एक्शन के लिए आपकी बॉडी अभी तैयार नहीं होती, और देयर इज अ वेरी बिग चांस कि आप सीधे ही ब्रेक दबा दो, और क्योंकि गियर अटक जाएंगे, बिकॉज आप अगर थर्ड गियर में हो और अचानक ब्रेक मारी स्लो डाउन करने के लिए और सेकंड गियर शिफ्ट करना है। वैसे आई वुड एक्सपेक्ट कि आपका लेफ्ट पैर ठीक ही चल रहा होगा, तो इतना कोई इशू नहीं है। तो जस्ट मेक श्योर कि बहुत सोच समझ के पंगा लेना, दिस इज वेरी रियली वेरी रिस्की, बट अगर आप एक बार प्रैक्टिस हो जाओ तो इट इज वेरी इजी। तो इट इज लाइक आप आराम से चला सकते हो विदाउट एनी फ्लो एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली आपका एक पैर का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब मेरे को स्पीड स्लो करनी है तो मैं ब्रेक क्लच दबा के मार रहा हूँ, और मैं ब्रेक अपने मतलब राइट पैर से ही फ्रंट से क्लच दबा रहा हूँ और लेफ्ट से ब्रेक मॉड्यूलेट कर रहा हूँ। जस्ट लाइक आप नॉर्मल ब्रेक मारते हो तो क्लच के साथ आप ब्रेक दबाते हो, एज लॉन्ग एज आपको ये नहीं आपको पता कि मेरे को स्पीड इतनी कम नहीं करनी कि मेरे साथ गियर डाउन करना पड़े। यार बाहर पुलिस ना खड़ी हो, मास्क मेरे पास खत्म है कार में। तो यार मेन रोड पे जाना इसलिए जरूरी इसकी है कि बाई चांस पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने एक नहीं पता कितने चालान कर देने। उन्होंने कहा ना भाई, एक तो मास्क नहीं है, दूसरा आप चला कैसे रहे हो। सो मैं भी इसी यहीं पे रह रहा हूँ। सो आई थिंक काफ़ी आइडिया लग गया होगा। सो इट इज जस्ट नॉर्मल थिंग दैट यू कैन ट्राई। मेरी तो चुन है, मेरे को टिका नहीं है बड़ा, इसलिए मेरे को आता था, नहीं तो आई डोंट सी एनी पर्पस कि आपको करने की जरूरत, आप घर पे बैठ सकते हो आराम से। इसमें आपको स्पीड अप करने की जरूरत नहीं है, यू मेक श्योर कि आप बहुत आराम से चलाओ, और जब तक आपकी बॉडी बिल्कुल, बिकॉज मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, तब जाके मैं इतना कंफर्टेबल हो गया। मतलब अब मैं ऐसे इतना कंफर्टेबल हूँ कि अगर कोई साथ बैठा है वो बता नहीं पाएगा कि गाड़ी एक पैर से चल रही है, और कि कोई जर्क है या ऐसा कुछ है। देखो हम आराम से जैसे सेकंड गियर में थे, सॉरी थर्ड में थे, हमने सेकंड कर लिया, आप फर्स्ट कर लिया, क्लच और ब्रेक साथ साथ दबा दबा के, अब क्लच पुश करा, फर्स्ट गियर को थोड़ा सा खींचा टाइम टू पुश, सेकंड क्लच पूरा दबाया, सेकंड गियर फुल, वापस ऑन थ्रॉटल, गियर इन सेकंड नाउ, क्लच गियर इन थर्ड, दिस इज काइंड ऑफ इजी वंस यू आर once you have mastered this. Second, आराम से टर्न ले रहे हैं। आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको गियर स्किप करना है या गाड़ी थोड़ी हैवी चलेगी या नॉकिंग करनी है या आपको गियर कम शिफ्ट करना है, कुछ नहीं है, जस्ट लाइक इट्स जस्ट बटर स्मूथ वंस यू आर ट्रेन्ड विद हाउ अचानक आगे गाड़ी। तो होता क्या है कि क्योंकि आपको नॉर्मल गाड़ी दूसरी तरह से चलाने की आदत है, तो आपके रिफ्लेक्सेस बार बार नॉर्मल वे से वो करते हैं, तो इट्स लाइक आपका लेफ्ट पैर लॉक्ड है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल एज्यूमिंग कि आप चला नहीं पा रहे हो किसी चीज से, टच वुड ऐसा हो ना कभी किसी के साथ,
तो अचानक कुछ होता है, कुछ सडन चीज होती है, तो यू मतलब आपकी आप बाय डिफॉल्ट मेथड से ब्रेक मारने की ट्राई करते हो, तो ऐसे एक्सीडेंट का चांस बहुत ज्यादा है, कुछ भी कर लो। सो आई थिंक वी शुड गो बैक, वी आर डन। और मैंने काफी सारी बातें आपसे करी ली अबाउट कि आई थिंक मैं वो वीडियो नहीं डालता, आई थिंक दोबारा ही कर लेते हैं, बिकॉज मेरे को बातें करने को नहीं मिल रहा था। इधर से चले, इधर थोड़ा आगे भी रश है। So the good news is, one of the good thing that I wanted to share is ki because bahut sare log mujhe message karte rehte hain ki aap channel acche se nahi chala rahe, so in last 10-11 days jab mera ye accident hua and main ghar pe baitha raha, in last 10-11 days I thought a lot and what I did is ki maine realize kara ki main akele ye channel ko push nahi kar pa raha, aur no doubt 2-3 saal ho gaye ki log mujhe like karte hain, mere ko mere channel ko dekhte hain, log meri videos dekhte hain, views bhi aate hain। तो ये बहुत बड़ी ग्रेस है, बिकॉज मेरे से ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, बट फिर भी समहाउ पीपल मतलब बेसिकली व्हाट आई फील इज कि बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनका फिर भी व्यूज़ नहीं मिलते, और मेरी बहुत कम मेहनत पर भी पीपल लाइक टू सी मी, बट मैं व्यूज़ नहीं डालता, और मतलब मैं वीडियोज़ नहीं डालता। तो मैंने देखा है, और बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं यार कि दिस इज़ वेरी बैड, कि आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, कि अगर भगवान ने आपको एक गिफ्ट दिया है या भगवान ने आपको एक स्किल दिया है कि आपके अगर थोड़े से भी आप मतलब थोड़े से भी एफर्ट से अगर आपको रिटर्न अच्छी मिल रही है या रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो आपको वीडियोस डालनी चाहिए ना। लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मैसेंजर कि यार क्या वीडियो क्यों डाल रहे, बहुत देर हो गई, ये वो सारा कुछ। एक सेकेंड। तो मैंने रियलाइज करा यार कि अकेले ही काम होने वाला नहीं है, और मेरे को एक ही चीज़ आती है कि मैं बकवास अच्छी कर लेता हूँ, और गाड़ी के बारे में मेरे को शौक भी है। तो व्हाट आई डिड, आई गैदर्ड अराउंड अ टीम ऑफ वेरी क्लोज पीपल, वेरी क्लोज फ्रेंड एंड अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर हु आर वेरी इंटेलिजेंट इन व्हाटएवर दे डू, दे आर ऑल कार पैशनेट आल्सो, सो वी आर 3 पीपल नाउ, और हम अब इस चैनल को एक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने नाम भी देख लिया होगा, तो द नाम इज ऑटो मेवंस, मेवंस मीन्स एक्सपर्ट्स। सो ऑटो मेवंस नाम की एक कंपनी बनेगी, एंड इन नेक्स्ट फ्यू डेज, कंपनी बोलो कुछ भी बोलो, बट वी प्लानिंग नेक्स्ट फ्यू डेज में इसका लोगो वगैरह भी सब लग जाएगा, सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, सब कुछ लाइव हो जाएंगे, एंड वी विल स्टार्ट शेयरिंग कॉन्टेंट ऑन डेली बेसिस देयर। सो वी आर 3 पीपल, मेरा काम है गाड़ी के बारे में बताना, एंड सबको ही कार्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, एंड सेकंड पर्सन इज चिंतन, ही इज वेरी गुड इन वीडियोग्राफी, एंड उसका मतलब ही इज एक्सपर्ट इन फिल्म मेकिंग एंड अदर थिंग्स, तो मतलब वो अपनी फील्ड का माशाल्लाह इंसान है। एंड थर्ड इज अंशुल प्रकाश, ही इज फ्रॉम दिल्ली, वेरी क्लोज फैमिली मेंबर, सो ही हैज ऑलवेज बीन अ कार एफिशिएंट एफिशिएनाडो, कितना टफ वर्ड है ना, कार एक्सपर्ट या कुछ भी, या मतलब गाड़ियों का उनको शौक है, पैशनेट फॉर कार्स, एंड ही हैज वर्कड इन कार इंडस्ट्री, ही हैज वर्कड विद वेरी गुड कंपनीज इन द पास्ट, और उनको बिजनेस नॉलेज बहुत अच्छी है, तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आउट ऑफ अस 3। सो व्हाट इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू स्पीयर एट द होल प्रोजेक्ट, और वही इसको लीड करेंगे और वही देखेंगे। सो एक तो सबसे बड़ी बात है, एक तो वो कंसिस्टेंट है, वो सिंसेयर है, और he is very serious about this whole thing, so so this is a very good thing, and now things are going to be much better, and maine 2019 ke end mein ek sankalp liya tha ki 2020 ke end tak mere 1 lakh subscriber ho jana chahiye, but maine uske liye koi dhakka nahi toda, maine kuch nahi kara is pure saal, aur see I am very comfortable running like this, so aapko bahut time lagega yahan tak pahunchne ke liye, jaldi mat karna, but it's doable, isliye video daru ki it's doable, so what we are going to do, उसके बाद आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू मच बेटर। एक तो वो दिल्ली बेस्ड है, सो वी आर प्लानिंग कि कल को ये प्रोजेक्ट थोड़ा सीरियस होता है, सो वी विल ऑल मूव टू दिल्ली एंड देन बिल्ड दिस होल प्रोजेक्ट अराउंड दिल्ली, बिकॉज वहाँ पर हमें कार इजीली मिल सकती है, कंपनी से डायरेक्टली बात हो सकती है, कंपनी के अंदर कॉन्टैक्ट करा जा सकता है, हम भी मीडिया ड्राइव पर जा सकते हैं, एंड सो दिस विल बी टेकन एट अ मच मोर सीरियस लेवल। रेगुलर जो कॉन्टेंट आ रहा है, कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है, अब मेरे को आपने देखा होगा कि मेरे को गाड़ी चलाने का शौक है, और मैं ये बता देता हूँ कि कार चलाने में कैसी फील हो रही है, बट इंजीनियरिंग के बारे में मेरे को इतना नहीं पता, मतलब मैं क्या कहते हैं ना, इल बटा कुकड़ या पता नहीं जीरो बटा कुछ बोलता है, मतलब नलायक हूँ उस चीज में बिल्कुल। सो अंशुल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वो पढ़े लिखे भी बहुत है, मैं तो प्लस टू पास हूँ, सो उनको हर एक चीज़ की बहुत डीप नॉलेज है कि कैमशाफ्ट्स क्या होते हैं, किस टेक्नोलॉजी में क्या चेंज करके नेट डिफरेंस क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल IVTEC की अब जो नई होंडा सिटी आई है, सो वंस माई फुट इज राइट, मैं होंडा सिटी रिव्यू करने वाला हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन है, तो IVTEC का पुराना इंजन और नए IVTEC में एक्चुअली क्या डिफरेंस है, एंड हाउ डज इट मैटर, वो सारी चीज़ें वो अच्छे से कवर कर सकते हैं, एंड अदर देन दैट वो सारे प्रोजेक्ट को बहुत सीरियस लेवल और बिजनेस लेवल पर लेके जा सकते हैं, बिकॉज आप एक टैलेंट को, फॉर एग्जाम्पल आप देखो कितने सारे लोग हैं जो अपने गाने की वीडियोज डाल देते हैं,
कि और वो बहुत वायरल हो जाती है, कोई भी कोई गेट कीपर होता है, कोई कुछ होता है, कुछ होता है। बट आपको सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं चाहिए, आपकी किसी भी स्किल को सक्सेसफुल बनने के लिए आपको उसको बिजनेस वाइज कमर्शलाइज करके उसको होन करना आना चाहिए, मतलब उसको ब्रश करना आना चाहिए, कि उसको सेल करना आना चाहिए, कि आपको उस चीज को मतलब यू नीड टू नो हाउ टू कन्वर्ट एन आइडिया इनटू अ बिजनेस या हाउ टू कन्वर्ट वन गुड टैलेंट इनटू अ गुड बिजनेस, ताकि अगर आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट नहीं करते तो वो चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बढ़ ही नहीं पाती। जैसे मेरा चैनल, अब मैं मोटिवेटेड ही नहीं फील करता कि मेरे को होता कि मैं पहले अपना बाकी काम कर लूं, बाकी चीजें करूं, बट इफ आई जॉइन टुगेदर अ टीम दैट दैट कैन टेक केयर ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, देन दिस थिंग कैन गो फॉरवर्ड एंड वी कैन ऑल ग्रो इन दिस। तो अब मैं पावर ड्रिफ्ट से बहुत इंस्पायर्ड हूं, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ पावर ड्रिफ्ट, मतलब एवरीथिंग दैट दे डू इज सो पावरलेस, हर एक चीज कितनी जबरदस्त करते हैं। सो यही बात, अब उन्होंने कितनी जी जान लगाई है फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, मैं उनको देख रहा हूँ। पहले उनका नाम था पावर टू द राइडर, उसके बाद उन्होंने नाम चेंज कराया, फिर उनको 1.5 साल पहले कार देखो ने या 2 साल पहले कार देखो ने एक्वायर कर लिया। सो देयर इज अ वेरी गुड स्पेस आउट देयर, और मैं देखता हूँ कि यार कि जो हम बोलते हैं या जिस तरह हम कार्स को समझते हैं, पीपल रिस्पेक्ट इट, सो इट शुड बी गिवन इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस। और मैंने हमेशा इस बारे में बात करी है, ट्राई बहुत करा है, बट मैं फिर भी एफर्ट डाल के वो कर नहीं पाता, एंड नाउ आई रियलाइज कि मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। सो नाउ विद द टीम वी कैन डेफिनेटली डू इट। सो नेक्स्ट कमेंट टाइम जिक्सर एसएफ, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, इट्स लाइक अ वेरी गुड ओवरऑल पैकेज। सो अब हम बाइक वीडियोज भी कर पाएंगे, वी विल हैव ऑल द कैमरा गियर, वी विल बी एबल टू टेक इट प्रोफेशनली, सो वी विल इवन बी एबल टू अर्न मनी आउट ऑफ इट, सो वी विल बी एबल टू अर्न मनी आउट ऑफ इट, सो डेफिनेटली वी कैन कन्वर्ट इट टू अ बिग बिजनेस। सो चीजें अपने आप बढ़ती रहेंगी, चीजें चलती रहेंगी, और हम भी कल को मोटर ऑक्टेन, ऑटो कार, ओवरड्राइव, इन सारे लेवल पे अच्छा काम कर सकते हैं, एंड देन हमें भी अच्छी कार मिल सकती है टू ड्राइव एंड देन आल्सो टेल अबाउट यू, टेल अबाउट दोस कार्स टू यू। सो दीज आर द गुड थिंग दैट वी डिड इन लास्ट 10 डेज, एंड होपफुली बहुत मस्त काम होने वाला है इन नेक्स्ट 4-5 डेज। हमारा लोगो लग जाएगा, सोशल मीडिया हैंडल्स हो जाएंगे, और वो सब मैं लॉन्च करूंगा अपनी होंडा सिटी वाली वीडियो के साथ, एंड आई विल ऑल्सो मेक यू मीट द अदर टू पीपल, अंशुल एंड चिंतन। सो आई थिंक बहुत सही चीज होगी, एंड हमारा क्योंकि पैशन भी है, सो इट विल बी लाइक अ हॉबी converted into business. So this is a really good thing. आप सबकी blessings चाहिए इसमें, आपके good luck भी चाहिए, because अब हम because it's not just a small immature hobby channel now. So because अब दो लोग और भी involved हैं, भाई क्या हुआ cycle? अब दो लोग और भी involved हैं, तो things are going to be much better, much more mature and much more serious. So and I promise you, we will not मैं अपना natural way नहीं भूलूँगा। अब ये मत सोचना यार कि अब ये भी फेक हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन हाउ टू मैनेज इट। और मैं बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया चैनल्स देखता हूँ जो बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन बात बताते हैं, फिर भी अपने साथ बाकी सारी चीजें चलते हुए खुद बड़ा बनते हुए। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू नॉट लूज योर एसेंस एंड बिकम अ बिग कंपनी, जस्ट लाइक एप्पल। एप्पल की आज भी एटलीस्ट जब तक स्टीव जॉब्स था उसके बाद, मैं स्टिल डिबेटेबल है बात, कि आपकी बेसिक एसेंस और सोल ऑफ अ कंपनी ऑफ अ बिजनेस नहीं चेंज होता अगर आप उस पर स्टिक रहो तो, और साथ में आप बड़े भी बन सकते। सो जैसे एप्पल आज भी उन्हीं चीजों के लिए स्टैंड करता है जिसके लिए पहले स्टैंड करता था, एटलीस्ट जब तक स्टीव जॉब्स नहीं मरा था, उसके बाद पता नहीं वो कंफ्यूज हो गया सारे। एनीवेज, सो ये मेरा आपको प्रॉमिस है कि वी विल नॉट लूज द सोल ऑफ आवर चैनल, वी विल नॉट लूज द रीजन व्हाई पीपल यूज टू वॉच अस आर ऑथेंटिक एंड रॉनेस ऑफ जो भी मैं बोलता हूँ और लोग उससे रिलेट करते हैं, वो बिल्कुल लूज नहीं होगी। बट उसके साथ साथ हम इसको प्रोफेशनल बनाएंगे और अच्छे से काम करेंगे। सो गॉड ब्लेस अस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आप सब अपना ख्याल रख रहे हो, बिकॉज 2020 हेल्थ के मामले में बहुत खराब है। आई होप सारे ठीक हो, बिकॉज बहुत कुछ सुनने का आ रहा है यार, इतने इश्यूज चल रहे हैं, केसेस के कारण इतना लोग खराब हो रहे हैं, और अब तो ये है कि हर बंदे के क्लोज किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को हुआ ही हुआ है। सो जस्ट प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, और कोई हल नहीं है, बिकॉज सबको होना ही है। जल्दी आंटी आए थे पेन बेचने 5 रुपए वाला, बट मैं अपना वॉलेट नहीं लेके आया, आई एम सॉरी। बट सो दीज आर द गुड अपडेट्स, आई होप दिस इज ऑल रिकॉर्डेड। मैंने बहुत देर बाद गोप्रो यूज करा है मांग के ऑफ कोर्स चिंतन से, क्योंकि मेरा खराब था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, नाउ थिंग्स विल बी बैक ऑन ट्रैक। तो ये दूसरे भी आ गए सेवा करने, नहीं 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 कराना भाई, अरे वेरी बैड यार दीज थिंग्स। ये इंडिया की यार गरीबी देख के बहुत दुख लगता है, भगवान करे अगले 5-10 साल में कुछ करा जाए यार कि लोग गरीब ना। बट आई थिंक एजुकेशन भी अच्छी मूव कर रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, and in coming time things will be good. Now I cannot pay her even if I want to, I have zero money with me. यार ये चीज़ ना बहुत पिंच करती है, क्या करें, and I think मैं यू टर्न लेने लगा हूँ।
आई नो रेड लाइट है बट ये घर टाइप में सड़क है, इट्स लाइक यहाँ से हाईवे शुरू होता है उसके पहले ये सारी लोकल छोटा सा एरिया है, वो लेक्सस जा रही है। सो होपफुली बाय 2021 एंड वी विल रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, होपफुली सब कुछ बहुत बढ़िया हो, सब कुछ सच अच्छा हो, आपका प्यार रहे, ब्लेसिंग रहे, सबकी हिम्मत रहे, हिम्मत सबकी ऑलरेडी है। मैं ही अपनी टीम का सबसे कच्चा खिलाड़ी हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ एंड मैं पता नहीं सब कुछ मन के हिसाब से करता हूँ, बट दिस इज वेरी बैड थिंग ऑल्सो, मेरी कंसिस्टेंसी बहुत खराब है, बट आई होप कि 2021 के एंड तक हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस करें, बहुत मेहनत करें, बहुत अच्छा कॉन्टेंट लेके आए, रॉ रहें, ट्रूथफुल रहें, ऑथेंटिक रहे, सबको खुश करते रहे, सब कुछ बढ़िया रहे। सो नाउ आई एम गोइंग टू गो बैक टू माई हाउस एंड आई थिंक ये वीडियो हो गई कवर, पता नहीं मुझे यार नीचे ना अंधेरा बड़ा यार, अब आई होप कि दिख रहा हो सारा कुछ, आई होप GoPro भी ऑन हो, पता चले बंद ही हो गए। सो टेक केयर, बाय बाय, आई एम गोइंग टू हाउस एंड प्लीज इसको बहुत ध्यान से पंगा लेना, चुल तो मुझे पता है इंडिया में सारे चुल वाले ही हैं मेरे जैसे, तो अगर आपका मन करे ऐसे एक पैर से चलाने का या ये चीज़ ट्राई करने का, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, डेफिनेटली आराम से चल रहा है और कोई भी गाड़ी पे अप्लाई हो जाता है, ऑटोमेटिक तो ऐसे चला सकते हो बट मैनुअल भी किसी पे अप्लाई होता है ये चीज़, बट यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव, यू नीड टू बी वेरी अवेयर, इट्स लाइक आप बहुत आसानी से कहीं पर भी गाड़ी ठोक सकते हो, किसी को भी ठोक सकते हो, सो यू नीड टू बी वेरी 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 अवेयर बिफोर यू ट्राई दिस टेक्निक। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड बस ख्याल रखो अपना, ये साल जैसे मर्जी करके काट लो, बहुत लोग परेशान होंगे, प्लीज मेडिटेशन करते रहो, मेरी लाइफ में बहुत पंगे चले हैं बट ओनली ड्यू टू मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी आई एम एबल टू कम आउट ऑफ इट। जिंदगी ने ऐसी चीजें दिखा दी है इस साल जो और सबके साथ ही हो रहा है ऐसा, जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी, कोरोना करके वैसे बिजनेस चल गए सबके, बट वी नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, और किसी को कोई भी कभी प्रॉब्लम हो, कोई कभी भी मेंटली परेशान हो, आई एम ए वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने बहुत सारे लोगों को बड़े सारी प्रॉब्लम से बचाया है, और ये दुनिया का एक असूल है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हो, कर पाते हो, अपनी नहीं कर पाते हो। तो मैं अपनी प्रॉब्लम में जरूर मेरा दिमाग खराब हो जाता है बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल, किसी को कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो मैं इंस्टाग्राम पे जरूर रिप्लाई करता हूँ, कभी कभी लेट हो जाता हूँ बट ऐसी कोई इंस्टाग्राम चैट नहीं है जिसमें मैंने रिप्लाई ना करो, तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे मैसेज करो, कोई भी बात हो, कुछ हो, कोई अपनी लाइफ में पर्सनल इश्यूज लेके परेशान हो, कुछ भी बात हो, आपका ब्रेकअप हो गया हो, फाइनेंशियल अप डाउन हो, कुछ भी बात हो, जस्ट मेक श्योर कि आपने परेशान नहीं होना, सांस लेती रहनी और जिंदा रहना, सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड बस कुछ हो तो प्लीज लेट मी नो एंड बड़ी देर बाद अच्छा लगा बात करके, आई होप दिस इज अ रेलेवेंट वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब कर देना बिकॉज नाउ वी हैव अ गोल टू रीच एंड थैंक यू, बाय, लव यू।